हूँ, आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ फजर आसिम खान। आज जो है वो आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी एक जो है ना वो वीडियो लेके आई हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ लिप बाम, चीक टिंट, लिप एंड चीक टिंट, फेस पैक और चिकंदर जो है उसको आप फ्यूचर में यानी कि स्टोर करके उसको कैसे रख सकते हैं और उसको अपने फेस की एक ग्लो को इंक्रीज़ करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक चिकंदर से इतनी सारी जो है ना वो आप लोग चीज़ें बना सकते हैं और वो भी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैंने जो है वो यूज़ किया चिकंदर का, एक हफ़्ता हो गया मैं चिकंदर का जो है ना वो टोनर भी यूज़ कर रही हूँ फेस के ऊपर, और चिकंदर का वो जो बीटरूट का जो चीक टिंट है, लिप टिंट है, वो यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो लिप्स हैं वो मतलब ये देखें नेचुरली जो है वो पिंक हो गए हैं। अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगी हुई है, देखें नो लिपस्टिक, ठीक है। तो ये खुद ब खुद ही ऐसे हो गए हैं। अभी मैंने टिंट वगैरह कुछ लगाया नहीं हुआ जो कि फुली ऑर्गेनिक है, ठीक है, और सिर्फ उसको यूज़ करने से जो है वो लिप्स जो है उतने ज़्यादा जो है ना पिंक हो गए और स्किन जो है वो बहुत ग्लो कर रही है और बहुत ही जो है ना फ्रेश फील कर रही हूँ मैं। मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही है। तो अब जल्दी से जो है ना मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी घर पर बना सकें और आप लोग के लिए भी यूज़फुल हो वीडियो। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लिप और चीक टिंट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है एक चिकंदर यानी कि बीटरूट। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक जो है हम लिप टिंट और चीक टिंट बनाएंगे, तो उसके लिए हमें जो है वो एक चिकंदर चाहिए। अब इसको हमने जो है ना वो छील लेना है और ये बिल्कुल फ्रेश है इसलिए बहुत ईजीली कट रहा है। आपने तेज़ छुरी यूज़ करके इसको काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह। बीटरूट जो है वो स्किन के लिए बहुत 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 अच्छा होता है, इसका जूस भी और वैसे भी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा तैयार करूं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो और हम डेली बेसिस पे इसको फेस पे अप्लाई कर सकें। अब हम इसको किसी ब्लेंडिंग जार में या मिक्सर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर ब्लेंडर ऐसे ना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड के ब्लेंड कर लें। देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये जो है ब्लेंड हो गया। और अब हम इसको किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से जो है वो पानी को पल्प से अलग-अलग कर लेंगे, जो इसका जूस है चिकंदर का उसको अलग-अलग कर लेंगे। और ये जो पल्प आप देख रहे हैं हमने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमने इसको कहाँ पर यूज़ करना है। अच्छा जी, अब हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, मीडियम लो फ्लेम पर ना इसको पका लेना है और ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक हो जाए और ये अपने वॉल्यूम का हाफ़ हो जाए। मैंने इसको 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो बिल्कुल पका लिया और ये हाफ़ हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा रख देंगे। जूस ठंडा हो गया और इसे मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। इसको पकाने का मकसद ये होता है कि हमने अगर टिंट जो है उसको ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करना है, 2-3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, तो जो है वो हम इसको ये ख़राब नहीं होता पकाने से। अब इसके सबसे पहले जो है वो लिप बाम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं एवियन के कैप्सूल, विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं। तो ये ग्रीन वाले कैप्सूल हैं, एक कैप्सूल जो है उसको मैं ऐड करूँगी लिप बाम बनाने के लिए। रेड वाले जो कैप्सूल होते हैं वो बालों के लिए यूज़ होते हैं और ग्रीन वाले जो हैं वो स्किन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये लिप जो है उसके ऊपर जो वो डार्क होते हैं ना लिप्स, वो भी ठीक होते हैं। और उसके अलावा इसके साथ जो है ये जो रिंकल्स आते हैं लिप्स के ऊपर, ये भी रिंकल्स भी ठीक हो जाती हैं। तो आपने ये ज़रूर ऐड करना है। और तकरीबन मैंने 2 टीस्पून जो है वो जूस डाला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में और ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर जो है वो वैसलीन ऐड की है। अब हम इसको किसी भी टूथपिक की मदद से या आइसक्रीम स्टिक से या स्पून से आप इसको जो है वो किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से यानी कि आपने मिक्स कर लेना है किसी ऐसे कंटेनर में डाल के जिसमें आप इसको सेव कर सकें बाद में। ऐसे हम मिक्स करते जाएंगे, बहुत स्पीड के साथ मिक्स करना है ताकि जो जूस है वो वैसलीन के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखें ये ऐसे हो गया है। अब हम इसको बंद करके और फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। और अब हम बना लेते हैं चीक टिंट। टिंट बनाने के लिए जो बाकी जूस था सारा मैं वो इस कंटेनर के अंदर, किसी खुले बर्तन के अंदर या कंटेनर के अंदर आप उसको डाल लें, सारा जूस बाकी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर जाएगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप जो पैकिंग में मिलता है वो यूज़ करें क्योंकि हमने टिंट को बना के काफ़ी देर के लिए रखना है,
तो जो दूसरा होता है एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल, उसकी थोड़ी स्मेल होती है और वो फिर ख़राब कर देगा डेंट को। अब जो है मैंने ये ऐड जो किया, ये है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर कैस्टर ऑयल डाला है, और ग्लिसरीन डाली है तकरीबन 1 टीस्पून। अब सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लेंगे, और दैट्स इट। ये जी हमारा टिंट जो है वो बन के रेडी है। मैंने जो पल्प आपको कहा था कि आपने वेस्ट नहीं करना, ये वो पल्प है। हम इसको ड्राई करेंगे और पाउडर फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसको बाद में यूज़ करेंगे। और ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने पल्प लिया है फेस पैक बनाने के लिए, और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा बेसन का, और अर्के गुलाब जाएगा तकरीबन 3 से 4 चम्मच। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फेस पैक बना लेंगे। जब हम बीट रूट यूज़ कर ही रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से क्यों ना यूज़ करें। इसके इतने फ़ायदे हैं ना, ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन जो है वो रिमूव कर देता है, पिंक पिंक सी जो ग्लो सी आ जाती है फेस पे, वो तो आप जब यूज़ करेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितना ज़बरदस्त है। एक चिकंदर से हम कितने ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो हम फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा जी जनाब मोहतरम, अब मैंने फेस पैक बना लिया और बालों को कवर करके इसको फेस पे अप्लाई करते हैं। पूरे फेस पे थोरली आपने इसको फेस पे और नेक पे जो है वो लगा लेना है, और तब तक लगाना है जब तक कि बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। चिकंदर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं इस फेस पैक को। इसका कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और जो टिंट और जो मैंने बाम बनाया है लिप बाम, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप उसको फेस पे लगा के इवन सो भी सकते हैं। चिकंदर वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसका जूस पिए दिन में, हफ्ते में तकरीबन 2 बार इसका जूस ज़रूर पिए आप। ये हीमोग्लोबिन लेवल इम्प्रूव करता है ब्लड का, और स्किन को एक्सफोलिएट करता है। और देखें जी फेस पैक बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब इसको वॉश कर लेते हैं। और वॉश करने के बाद जो है वो स्किन बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी हो गई है। इस तरह देखें बिल्कुल स्किन पे जो है वो पैचेस वगैरह और जो डार्कनेस होती है, स्पॉट्स होते हैं, वो इससे रिड्यूस होते हैं। तो आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो लिप बाम और टिंट जो है मैंने बना के फ्रिज में रख दिए थे आधे घंटे के लिए, वो बिल्कुल रेडी है। अब आपको यूज़ करके दिखाते हैं कि इसका कैसा इफ़ेक्ट है और कैसा रिज़ल्ट आया है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी इसको यूज़ करें। वैसे तो आप लोग जो टिंट है या लिप बाम है उसके अंदर रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, रेड फूड कलर जो होता है वो भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि बिल्कुल ये ऑर्गेनिक हो और इसके अंदर कोई भी जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो इंग्रेडिएंट ना हो, बिल्कुल जो है वो फ्रेश फ्रेश सी जो है वो। देखें कितनी अमेजिंग सी लुक आ रही है इसकी वजह से। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा, और आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग को ये कैसी लगी है। ठीक है, बना के मुझे ज़रूर दिखाना है। अच्छा जी, अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि बताने लगी थी कि जो वो पल्प हमने बचाया था ना, उसको आपने धूप में ड्राई नहीं करना, उसको आपने छांव में ही ड्राई करना है। यानी कि अंदर किसी प्लेट में या किसी बर्तन में आपने उसको फैला के रखते हैं ना, और वो खुद ही ड्राई हो जाएगा। और जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने उसको किसी कंटेनर में डाल के उसको स्टोर कर लेना, ताकि आपको उससे फेस पैक वगैरह बना सकें। अच्छा जी, अब ये जो टिंट है देखिए, ये मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है। चिकंदर जो है वो आपकी स्किन जो है, हर टाइप की जो स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा है। एक्नी प्रॉन स्किन के लिए भी अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है, मिक्स जो स्किन होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो ग्लिसरीन ऐड किया है मैंने उसके अंदर टिंट के अंदर, उससे आपकी स्किन जो है वो वाइट भी होगी। ठीक है, देखें जी ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया फेस पे। आपको किसी भी अच्छे अच्छे जो महंगे महंगे ब्रांड्स हैं उनका टिंट बनाने की कोई जरूरत लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर पे बनाएं और अपना फ्रेश बना के यूज़ करें, जो आपकी स्किन को अच्छा भी करे, हेल्दी भी करे, और जो है वो देखने में भी कितना ज़बरदस्त सा पिंकी पिंकी सा इसका जो है वो लुक आ रही है इसकी। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। देखें मेरे गाल बिल्कुल पिंक पिंक हो गए हैं, और मुझे इस तरह की जो चीज़ है वो बहुत अच्छी लगती है, जो बिल्कुल जो है वो आपको और जो ऑर्गेनिक हो, और जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है उसको कोई हार्म ना पहुंचे, वो बिल्कुल हेल्दी रहे। और मेरी मेरी जो स्किन है
उसमें जो पोर्स हैं, पोर्स का भी इशू होता रहता है अक्सर मुझे कि पोर्स जो हैं वो काफ़ी ओपन हो जाते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनकी स्किन ऐसी है कि उनके पोर्स ओपन रहते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इसको रात को भी लगा के सो सकते हैं, उससे स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। देखें अब तो चाहे इसको पूरे मुंह पे भी लगा लो आपने, आप इसको बना के मेरे साथ शेयर करें इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा हाँ, और इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये करनी थी कि यार आप लोग मेरी वीडियो जो है वो शेयर कर दिया करो। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर कर दिया करें लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आप लोग को वीडियो कैसी लगती है, आपको पसंद आती है नहीं आती। और देखें जी, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। आप लोग इसको फॉलो करेंगे और बनाएंगे टिंट अपना घर पे। देखें जी, लिप बाम और टिंट दोनों का इफेक्ट देखें स्किन पे, ज़बरदस्त है। ठीक है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। अब देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। और आप जो टिंट है वो लिप बाम के ऊपर टिंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ये मतलब इसका कलर ज़्यादा डार्क अच्छा लगता है तो आप डार्क कर सकते हैं, अगर आप लाइट आपको अच्छा लगता है तो आप लाइट कर सकते हैं। मुझे तो वैसे बस नॉर्मल सा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा डार्क भी नहीं अच्छा लगता और बिल्कुल लाइट भी अच्छा नहीं लगता। देखें जी, बस इतना सा काम था। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाता है। अब मैंने छोटी सी वीडियो में आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों को मैंने फेस पैक बनाना बताया है, टिंट बनाना बताया है, और उसके अलावा लिप बाम बनाना बताया है। तो गाइस, आज की वीडियो इतनी सी थी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने जो DIY आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोग इसको बनाएं और मेरे साथ शेयर करें। आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोग को इसका रिजल्ट कैसा लगा और आप लोग का ठीक बना या नहीं बना। उसके बाद आप अगर कोई क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं तो वो भी मुझसे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग ज़रूर 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 अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँगी, आप लोग साथ शेयर भी करती रहूँगी। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और बहुत ज़्यादा खुश रहें जहाँ भी रहें। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट ब्लॉग तक, अल्लाह हाफिज़।